एवरीवन, वेलकम टू क्योर फॉर श्योर। मैं हूँ शिल्पा और स्वागत करती हूँ आप सबका अपने ही चैनल पे। आज की वीडियो हमारी स्पेशल होने वाली है होली ओकेशन के लिए, क्योंकि होली खेलना बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। और अगर हमको किसी चीज़ की चिंता होती है तो वो सिर्फ एक कि होली के जो कलर्स हैं उससे हमारे स्किन और हमारे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएंगे। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग होली ना खेलें, बट होली फेस्टिवल ही ऐसा है कि हम लोग अपने आप को भी नहीं रोक पाते। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही छोटा एक ट्रिक जिसको आप यूज़ कर सकते हैं और कितनी भी होली आप खेल लीजिए, आपकी स्किन पोर्स के अंदर इतना सा भी गुलाल नहीं जाएगा, डैम श्योर। क्योंकि ये रेमेडी मैं ऑलरेडी बहुत टाइम से यूज़ करती आ रही हूँ, और इसको जब आप होली खेलने के बाद जब आप शावर ले लेंगे, शावर लेने के बाद आप देखेंगे आपके फेस पे, आपके स्किन पे, कहीं पे भी आपको पोर्स के अंदर थोड़ा सा भी गुलाल दिखाई नहीं देगा। बहुत ही अच्छी रेमेडी और बहुत ही अच्छी। स्टार्ट करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ वो चीज़ क्या है, और वो चीज़ है ये प्राइमर। प्राइमर आधे से ज़्यादा लोग समझ गए होंगे कि प्राइमर मैं यहाँ पर क्यों यूज़ कर रही हूँ, और बहुत सारे लोग हैं जिनको इसके बारे में नहीं पता है। तो वो सारे लोग जो मेकअप आर्टिस्ट हैं या फिर जो लोग मेकअप करना पसंद करते हैं, उन सबको पता है कि प्राइमर की क्या वैल्यू है, प्राइमर क्यों हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हर मेकअप के पहले। उसी तरीके से जब आप होली खेलने जाएं तो मैं आपको अभी आगे इसकी प्रोसेस बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आपने इसको अप्लाई करना है ताकि आपके स्किन पोर्स के अंदर जो कलर्स है वो ना जाए। तो देखते रहिए वीडियो, और हाँ, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, जल्दी से फटाफट से चैनल उसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही ढेर सारी अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाली हूँ, और उन सबको आप बहुत ही आराम से यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के ये कमेंट्स आएंगे कि अगर हमारे पास प्राइमर नहीं है तो हम लोग उसके ऑप्शन में क्या यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। बट फर्स्ट हम लोग यहाँ पर प्राइमर देखेंगे। प्राइमर क्या करता है ना, आपकी स्किन के ऊपर एक बहुत ही पतली सी एक लेयर बना देता है। वो लेयर क्या करती है, आपके स्किन पोर्स को क्या कर देती है, हल्का हल्का सा ब्लॉक कर देती है। मीन्स वो एयर ले सकते हैं, आपकी स्किन उतनी ज़्यादा ब्लॉक नहीं रहेगी, पर एक पतली सी लेयर बना देगी जिससे कि आपके पोर्स हैं वो ब्रीथ ले पाएंगे, बट उनके ऊपर कुछ भी केमिकल या फिर डर्ट या फिर गुलाल वगैरह उसके अंदर आपके पोर्स के अंदर नहीं जाएगा। अगर आपके पोर्स के अंदर कुछ भी डर्ट या फिर गुलाल या फिर कलर नहीं जाएगा तो आपकी स्किन ऑब्वियसली ख़राब नहीं होगी। अब इसको लगाना कैसे है वो आप देख लीजिए। इसको आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट आपने इसकी बहुत थोड़ी क्वांटिटी लेनी है। जस्ट मैंने यहाँ पर आप देखेंगे मैंने सिर्फ एक ड्रॉप्स ने यहाँ पर क्वांटिटी ली है। उसको आपने क्या करना है, पहले अपने फेस पर बहुत ही हल्के हाथों से अप्लाई कर लेना है। मैंने यहाँ पर फर्स्ट में बहुत कम क्वांटिटी इसलिए ली है क्योंकि हमको इसको अपने पोर्स के अंदर ऑब्जर्व कराना है पूरी तरीके से, ये हमारे स्किन पोर्स के अंदर ऑब्जर्व हो जाना चाहिए। उसके बाद जो हम इसके सेकेंड लेयर बनाएंगे, वो लेयर क्या करेगी, उसके ऊपर एक पतली लेयर बना देगी जिससे कि अगर हल्का बहुत कलर गुलाल अगर आपके स्किन पर लग भी जाता है तो वो आपकी स्किन पोर्स के अंदर ना जाए। इस तरीके से आप उसको अपने फेस पर पूरी तरीके से अप्लाई करने के बाद आपने क्या करना है, कम से कम 2 मिनट का इसको रेस्ट देना है। जब भी आप प्राइमर अप्लाई करें तब हमेशा ध्यान रखें, प्राइमर अप्लाई करने के बाद कम से कम 2 मिनट का रेस्ट आप अपने फेस को ज़रूर दीजिए, क्योंकि उसको हल्का सा ड्राई होने में और सेट होने में कम से कम 2 मिनट लगते हैं। यहाँ पर हम लोग सिर्फ 2 मिनट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमको इसकी एक और कोटिंग अपने फेस पर अप्लाई करनी है। जिस तरीके से मैं आपको फेस पर अप्लाई करके बता रही हूँ उसी तरीके से आप अपने फेस पे, अपने नेक पे, अपने शोल्डर्स पे, अपने हैंड्स पे, और जो भी आप क्लोथ्स पहन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी ओपन एरिया रहेगा वहाँ पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, बट उसी डायरेक्शन में अप्लाई कीजिएगा ताकि ये जो है वो बहुत ही अच्छे से काम करेगा। यहाँ देखिए मैंने इसको अपने फेस पर लगाया था, पर अगर अभी आप देखेंगे तो मेरे फेस पर कुछ भी नहीं, ऐसा मुझे फील हो रहा है जैसे मैंने अपने फेस पर कुछ भी नहीं लगाया है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट मेरे स्किन के अंदर कम्प्लीटली ऑब्जर्व हो चुका है। देन नेक्स्ट आपने क्या करना है, उसके बाद आपने फिर से लेना है प्राइमर, उसके बाद आपने इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी को इंक्रीज कर लेना है, राइट। लाइक ये देखिए मैंने यहाँ पर समथिंग 3 ड्रॉप्स जितना मैंने यहाँ पर प्राइमर फिर से लिया है। देन आपने इसको क्या करना है, एज इट इज़ अपने फेस पर जैसे हम लोगों ने पहले डैप डैप किया था उस तरीके से आप इसको लगा लीजिए। देन अब मैं आपको बताऊँगी कि इसको आपने कैसे अप्लाई करना है। तरीके से आप ले लीजिए, और अब आपने इसको अप्लाई करना है अपर डायरेक्शन में। अपर डायरेक्शन में आप इसको अप्लाई कीजिए और नेक वाले एरिया को कवर कीजिए,
अपर डायरेक्शन में क्यों करें, ताकि जो लेयर है, एक पतली जो लेयर हम लोगों ने पहले बनाई है, वो ऑलरेडी हमारे पोर्स के ऊपर एक लेयर बना चुकी है। अब हमको इसको सिर्फ उसके ऊपर स्प्रेड करना है, ताकि उस लेयर के ऊपर एक और लेयर बहुत ही सॉलिड वाली बन जाएगी, ताकि इसके बाद अगर आप कुछ मेकअप कर रहे हैं, गर्ल्स स्पेशली सभी लोग करते हैं फेस्टिवल पे, तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद जितने भी कलर्स आपको खेलना है, उसके बाद आप बहुत ही अच्छे से होली खेलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके स्किन के अंदर इतना सा भी कलर जाने वाला नहीं है, आपकी स्किन पोर्स के अंदर बिल्कुल भी कलर जाने वाला नहीं है। तो ये देखिए, यहाँ पर पूरी तरीके से ये मैंने अप्लाई कर लिया। देन आप अपने आप को टाइम दे दीजिए नाउ फॉर 5 मिनट्स। 5 मिनट्स के लिए आप इसको छोड़ दीजिए। 5 मिनट्स के बाद ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने अपने फेस पर कुछ अप्लाई भी किया हुआ है। देन उसके बाद अगर आपको उसके ऊपर मेकअप अप्लाई करना है, तो आप लाइट मेकअप अप्लाई कर लीजिए, अदरवाइज नॉट अ प्रॉब्लम। जस्ट लिपस्टिक और काजल मेरी तरह मोर देन सफिशियंट है। उसके साथ ही आप अपना होली का जो फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट कर सकते हैं। नाउ द अनदर थिंग कि अगर हमारे पास प्राइमर नहीं है, देन ऑप्शन हमारे पास क्या है? तो ऑप्शन है हमारे पास, दैट इज एलोवेरा जेल। अगर आपके पास प्राइमर नहीं है, तो आप एलोवेरा जेल ले लीजिए, और जिस तरीके से मैंने आपको प्राइमर अप्लाई करना बताया है, उसी तरीके से आप एलोवेरा जेल को भी अपने फेस पर अप्लाई कर लीजिए। बट हाँ, अगर आपके पास प्राइमर है, तो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा कंपेयर टू एलोवेरा जेल। ये चीज़ है, क्योंकि प्राइमर स्पेशली इसीलिए बनाया गया है, ताकि बिफोर मेकअप जब हम लोग उसको अप्लाई करते हैं, तो जितने भी मेकअप प्रोडक्ट्स रहते हैं, वो हमारी स्किन के अंदर ऑब्जर्व ना हो, उसीलिए हम लोग प्राइमर अप्लाई करते हैं। तो ये हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा आपकी स्किन पे से कलर्स को, की जो लेयर है उसको ऊपर ही बनाए रखेगा, आपके स्किन पोर्स के अंदर नहीं जाने देगा। सो ये थी स्पेशल रेमेडी फॉर ऑल दोज पीपल हु लव टू प्ले होली लाइक मी एज वेल। तो चलिए सेलिब्रेट करते हैं हैप्पी होली का फेस्टिवल आप सभी के साथ, एंड विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी होली इन एडवांस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आते रहे, उस लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि ये ढेर सारी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेके आती रही हूँ, उनको आप बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ करते रहें। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, ताकि मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर सकूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेमेडी के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।